एक पेश करने लगा हूं, नामुमकिन राग मैंने तो नामुमकिन रखा था कि ये, क्योंकि ये बड़ा विहंगम राग है और ये बैकग्राउंड फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक में काम आता है, डिस्कॉर्ड है सबके सब, और ये पता नहीं एडमिंटन कार्ड क्या कहते हैं इसको, और ये सुर वहाँ इस्तेमाल करते हैं फिल्मों में जहाँ कोई हादसा एक्सीडेंट या कोई डेथ का सीन हो कुछ हो, हाँ, लिहाजा बुजुर्गों ने इसको कहा है, इसको रोक दिया कि ये इन सुरों में ये बात बेहतर नहीं है, रूखे हैं ये सुर, व्यंगम है, तो उनको अब ढंग में लाने के लिए सुर तो नहीं चेंज किए, सुर चेंज करता तो फिर तो वो राग न रहता, लेकिन वादी संवादी से कि किस सुर को ज़्यादा बढ़ा जाए किसको कम किया जाए जिससे इसमें रचाव पैदा हो, बहुत विहंगम है तो पेश करने लगा हूँ। खास साहब ने भी इसका नाम और खास साहब ने सोलो बजाया है जो कि ये भी नामुमकिन है साजों में बजाया जाए इस राग को, लेकिन खास साहब ही का काम, सुल्तान खां का काम है, ये कमाल बजाया है इन्होंने, तो इन्होंने सहरा नाम रखा इसका, वो रेगिस्तान जहाँ कहीं कहीं 100 मीलों पानी नहीं है, वो सहरा, तो वैसे आदम साहब की गजल है ये, जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं जीस्त के रंज भूल जाते हैं, जिंदगी के रंज भूल जाते हैं, शक्ल देखिए खुद आप फरमाएंगे कि वाकई बड़ा बहुत बेंगे में कानों को बुरा लगा। लेकिन रचेगा ये इंशाल्लाह आपकी दुआ से। जब तेरे नैन मुस्कुराते हैं।
फिर कृष्ण बता के जहां सवार दिया सुने नैन मुस्कुरा
क्यों सिकंदर डालते हो माथे पर माथे माथे पर क्यों सिकंदर बहुत मुश्किल पड़ रहा मुझे बजाना एक हसीने एक हसीने हसी
इशारे पर काफिले राह भूल जाते काफिले राह भूल जाते काफिले राह भूल जाते काफिले राह भूल जाते ख्याल खा साहब बरसों के बाद आज इनकी मेहरबानी मेरे साथ गजल बजा रहे हैं, वरना इनका काम क्या गजल बजाने का। दुर्पद धवार और बड़े ऊंचे कवियों के साथ बजाने वाले लोग हैं, लेकिन ये इनकी मेहरबानी। वाह वाह। जब तेरे शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जितना खुश है उतना ही सर कर दिया।